देखिए, इंग्लिश को चार पार्ट में तोड़ा जा सकता है और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए तीन चार चीजें हैं जो कि साइमल्टेनियसली चलती हैं। पहला सेक्शन आता है स्पॉटिंग एरर्स का, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर्स में भी सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर की बात करेंगे और ग्रामर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो ग्रामर के सेक्शंस हैं वो तीन सेक्शंस में आप इनको तीन या अथवा चार सेक्शंस में इनको बांट सकते हैं। सेक्शन नंबर वन, देखिए सेक्शन नंबर वन में आता है द सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट्स। व्हाट इज सेंटेंसेस एंड इट्स पार्ट्स? इसमें आपको बस स्ट्रक्चर पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो ये सिंपल है, इसको कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका दूसरा पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का केवल क्या, आइडेंटिफिकेशन, कि आपको पता हो कि किसको हम नाउन कहते हैं, किसको प्रोनाउन कहते हैं, किसको एडजेक्टिव कहते हैं, किसको एडवर्ब कहते हैं, किसको वर्ब कहते हैं, किसको कंजंक्शन कहते हैं, किसको प्रीपोजिशन कहते हैं, किसको आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, केवल आपको पता करना है कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सर्टेन वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज, यानी कि कोई डेफिनेट वर्ब उसमें होती है उसको हम कहते हैं क्लॉज। ऐसे शब्दों का समूह जिसमें कोई डेफिनेट वर्ब हो, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये पूरा एक ट्रांसलेशन है, पूरा एक सेंटेंस है, इसमें वर्ब भी है। और कितने शब्दों का समूह है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पांच वर्ड्स का समूह है, उसको हम बोलेंगे क्लॉज। और फ्रेज किसको बोलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट वर्ब, ऐसे शब्दों का समूह जिसमें कोई डेफिनेट वर्ब नहीं होती लेकिन उसका एक मतलब होता है। जैसे 400 साल पुरानी पेंटिंग, 400 ईयर ओल्ड पेंटिंग, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव वर्ड्स, लेकिन इसमें कहीं भी कोई वर्ब नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगा मैं, फ्रेज। तो केवल आइडेंटिफिकेशन इसका आपको आना चाहिए। और इसके बाद जो अगला इसमें आता है वो आता है कंडीशनल्स। ये कंडीशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे स्पॉटिंग एरर्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल, यानी कौन से सिंपल होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ध्यान रखना, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये तो नहीं आएगा बनाने के लिए कि इसका सिंपल का कॉम्प्लेक्स करो, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड करो, तो मैं कह सकता हूं कि आप इनका केवल स्ट्रक्चर नोट कर लें, लेकिन ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं नॉन फाइनाइट्स। तो यानी कि ये आपके पार्ट हैं, ये स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड सेक्शन वन, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर। केवल आपको स्ट्रक्चर पता है कि कौन सी चीज क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पार्ट होते हैं। हालांकि मैं सारी चीजें, ये कंडीशनल्स को मैं अलग से कराता हूं, बाद बाकी की सारी चीजें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच जब कराता हूं उन्हीं सेक्शंस में बता देता हूं। तो देखिए, ग्रामर में आपको कवर करना है तो देखिए वो किस तरीके से कवर करना है। तो ये तो रहा हमारा सेक्शन वन, और इसके बाद अगर हम सेक्शन टू की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको पूरा करना है और मैं कराऊंगा, दैट इज करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस।
इसमें आता है करेक्ट यूज ऑफ, नंबर एक नाउन्स, तो नाउन के सारे रूल्स रेगुलेशंस मैं आपको कराऊंगा प्लस प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराऊंगा। इसके बाद आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और आर्टिकल्स। इनको हम आठ पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, इस पर आप कई स्टार लगा सकते हैं। और आप स्पॉटिंग एरर्स आता है तो जनरली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, इनकी गलती पूछी जाती है। तो इनको स्टार्ट आपको कहाँ करनी है, नाउन से करो, उसके बाद प्रोनाउन की एक्सरसाइज देखो और बेसिक का वीडियो देखो, एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, देन वर्ब, देन कंजंक्शन, देन प्रपोजिशन, देन आर्टिकल, इस तरीके से इनको आपको यहाँ पर कवर करना है। क्लियर? तो इन्हीं में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फ्रेज होता है, क्या क्लॉज होता है। इन्हीं में मैं आपको बता देता हूं कि क्या इन्फिनिटिव होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला जो था वो केवल स्ट्रक्चर्स का था, यानी कि आपको बस पता होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस से बनते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम जो ग्रामर की आप स्टार्टिंग करें, देखिए वो कहां से करें, इंग्लिश की स्टार्टिंग, सबसे पहले आप नाउन को पढ़ें, फिर प्रोनाउन को पढ़ें, फिर एडजेक्टिव को पढ़ें, फिर एडवर्ब को पढ़ें, फिर वर्ब को पढ़ें, और वर्ब में ही इसमें ट्रांसलेशंस हैं, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर आर्टिकल। इस तरीके से आपको ग्रामर के एक्सरसाइजेस कवर करनी है। इसके बाद दूसरे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रामर में, तो ये था हमारा सेक्शन टू। अब इसके बाद सेक्शन थ्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्री इंपॉर्टेंट किस लिए, बिकॉज दिस टेल्स यू अबाउट द बेसिक पैटर्न्स, और जब तक आपको बेसिक पैटर्न्स के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आपको कंपटीशन में सफलता नहीं मिलेगी। इसमें देखिए क्या आते हैं बेसिक पैटर्न्स में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसके बाद आते हैं एम्बेडेड क्वेश्चंस, इसके बाद आता है पैरेललिज्म, और इसके बाद आता है क्वेश्चन टैग्स। ये चार बेसिक पैटर्न हैं, इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन बेसिक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना है। तो दूसरा सेक्शन जो मैं आपको कवर कराऊंगा वो होगा बेसिक पैटर्न्स का सेक्शन, और इसके बाद तीसरा, आइए थर्ड है, तो एक फोर्थ सेक्शन देखिए, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन फोर में आता है वॉइस, और वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कब हम एक्टिव बनाते हैं, कब पैसिव बनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी सेंटेंस की आपने एक्टिव अथवा पैसिव बना दी, देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर सर्टेन कंडीशंस, तभी आप एक्टिव अथवा पैसिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है वॉइस, वॉइस में एक्टिव और पैसिव आ जाता है, और इसके बाद आता है रिपोर्टेड स्पीच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हम जो स्पीच बोलते हैं उसमें इसी का सहारा लेते हैं टॉपिक का। तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको पता करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, सेंटेंस में क्या चेंज होता है, ग्रामेटिकली क्या चेंज होता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा टॉपिक आता है वर्डीनेस, और इंग्लिश में वर्डीनेस का क्या प्रयोग है, क्योंकि एक जनरल रूल है इंग्लिश में दैट द शॉर्टर इज द बेटर,
जितना आप अपनी संक्षेप में बात कहेंगे उतना अच्छा माना जाएगा, राइट? तो अननेसेसरीली ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोशिश ना करें और देखें कि आप अपनी बात को कम शब्दों में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? आंसर राइटिंग जो कि विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आईएएस वगैरह में पूछी जाती है, तो उसका भी यही सार है कि आप ज्यादा वर्ल्डली मैनर भाषा का प्रयोग ना करें, द शॉर्टर इज द बेटर, संक्षेप में अपनी बात कहें, राइट? तो दिस इज कॉल्ड वर्डीनेस। इंग्लिश में एक नियम है, उसको हम कहते हैं वर्डीनेस। इसके बाद आता है डिक्शन। डिक्शन का मतलब ऑफन द वर्ड्स कंफ्यूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो कि कंफ्यूज आपको करते हैं, राइट? जैसे कि एडवाइज और एडवाइस, इन दोनों में क्या अंतर है? ये तो होती है नाउन फॉर्म, सीई होती है नाउन फॉर्म, और ये कौन सी होती है? वर्ब फॉर्म। तो आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक और चैप्टर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड डिक्शन। प्रोफेसी और प्रोफेसी में अंतर क्या है? एक सी वाई है, एक एस वाई है। तो इस तरह का ये जो चैप्टर कहलाता है दैट इज कॉल्ड डिक्शन। और पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में मैं आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज, कॉमा का यूज पहले ही करा देता हूं नॉन वगैरह में, लेकिन फिर भी आप इसको अलग से लिख सकते हैं। और दूसरा फ्रेजल वर्ब्स, राइट? तो नोट्स ऑन फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारी ग्रामर कवर होगी इन सेक्शंस में, ठीक है? तो आपने देखा कि पहला सेक्शन था करेक्शन, जो तो स्ट्रक्चर को समझने का था। तो मैं कहूंगा इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो बस समझने की चीजें हैं। इससे केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल्स, जो कि मैं आपको कराऊंगा। दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच में आठों पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। तीसरा बेसिक पैटर्न्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड क्वेश्चंस, पैरेललिज्म, क्वेश्चन टैग्स, ये आपको आने चाहिए। और इसके बाद अगला सेक्शन है बेसिक पैटर्न्स का, और बेसिक पैटर्न्स में के बाद आता है स्टाइल्स का, जिसमें कि वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, वर्डीनेस, डिक्शन, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि ये चीजें आपको करनी है, तब जाके आपकी ग्रामर पूरी होगी। ऑनलाइन क्लास लें या ऑफलाइन लें, मैं करीब करीब आपको 25 दिन में ग्रामर खत्म करा देता हूं, इन 25 डेज, नॉट मोर देन दैट, ओके? इसके बाद तो दूसरा फेज आता है। तो इसमें देखिए बच्चों, फेज वन तो हुई हमारी ग्रामर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले आपको यही करनी है जो मैंने आपको क्रम बताया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और सेक्शन चलता है इसके साथ साथ पैरेलल, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो इसको आप जैसे जैसे मैं डेली आपको करीब 4 to 5 वर्ड रूट्स कराता हूं, और वर्ड रूट्स का मतलब क्या है या फेज टू की हम तैयारी कैसे करें, एक तो मैं आपको ये डेली कराता हूं क्योंकि ये डेली का काम है, और अगर 4 या 5 में वर्ड रूट कराऊंगा तो आप समझिए उस पर आपको 20 से लेके 25 जो है वो वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो मीनिंग मिल जाएंगी कितनी मिल जाएंगी, 20 to 25। और मैं आपको हर क्लास के बाद बोलता हूं कि डिक्शनरी में कंसल्ट करिए, इन वर्ड्स को घर पे जाके याद करिए, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस सतत आपकी चलती रहेगी, ये डेली की प्रोसेस है, गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कभी कभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी शब्द का न तो कोई परफेक्ट एंटोनिम है और न ही कोई परफेक्ट सिनोनिम है। यहां पर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो नियरर वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं कि लगभग इसके मीनिंग कौन सा होगा। एम आई क्लियर?
जैसे कि सक्सेस, सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा? फेलियर। लेकिन आप देखेंगे कि चारों ऑप्शंस में फेलियर तो कहीं है ही नहीं। जब फेलियर कहीं है ही नहीं तो सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा? परफेक्ट एंटोनिम तो जहां तक है होना चाहिए, वो फेलियर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस में आपको क्या तलाश करना है कि सक्सेस का अपोजिट वर्ड लगभग कौन सा है। तो इसके लिए वर्ल्ड रूट्स की हेल्प लें, क्योंकि ये वर्ल्ड रूट एक मीनिंग ही आपकी बहुत सारी मीनिंगों को सेंस आउट करने का तरीका बताता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ रूट्स बताए और मैं थोड़ा सा रिमाइंड उनको करा रहा हूं। मैंने एक शब्द बताया था क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। तो देखिए, एक शब्द होता है डेमोक्रेसी, और इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब शासन, लोगों के शासन को हम कहते हैं लोकतंत्र। सिमिलरली एक होता है ऑटोक्रेसी, और अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा ऑटो प्लस क्रेसी। ऑटो का मतलब खुद, जैसे ऑटोमेटिक। एक शब्द है ऑटोबायोग्राफी। देखिए, इसमें तीन रूट्स लगे हुए हैं, संधि विच्छेद करिए। ऑटो प्लस बायो प्लस ग्रेफी। ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वचालित, ऑटोमेटिक होती है ना मशीन। बायो का मतलब लाइफ, जीवन। बायोलॉजी सुना है आपने, लॉजी का मतलब विज्ञान, तो बायोलॉजी का मतलब जीवन विज्ञान, ग्रह विज्ञान नहीं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैविक विविधता। बायोफ्यूल का मतलब जैविक ईंधन, बायोमास, बायोमोलिक्यूल। तो बायो का मतलब लाइफ, और ग्रेफी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना। आपने कार्डियोग्राफी सुनी है? कार्डियोग्राफी होगी आपको जब हर्ट, कार्डियोग्राफ से होती है कार्डियोग्राफी। कार्डियो का मतलब होता है हर्ट, यानी कि हृदय से संबंधित, और ग्राफ का मतलब लिखता है जो। तो आपकी जो धड़कनों की जो वाइब्रेशंस जो नोट करता है वो, उस मशीन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ। तो ऑटोबायोग्राफी का देखिए मतलब क्या हुआ। ऑटो का मतलब खुद, बायो का मतलब जीवन, और खुद के जीवन के बारे में जो लिखा गया है आत्मकथा, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सिमिलरली ऑटो का मतलब खुद, और क्रेसी का मतलब शासन, खुद का शासन। इसको क्या कहेंगे आप? तानाशाही। एक होता है गैरंटोक्रेसी। गैरंटो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ओल्ड एज, तो बड़े बूढ़ों का शासन, दैट इज कॉल्ड गैरंटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो शासन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक मीनिंग आपको बहुत सारी मीनिंग देता है, और देखिए मीनिंग निकलती ही चली आती है। अब देखिए, यहां से क्रेसी से आपको डेमो रूट मिल गया, ऑटो रूट मिल गया, बायो मिल गया, ग्रेफी मिल गया, लॉजी मिल गया, कार्डियो मिल गया। कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, हर्ट रोग विशेषज्ञ। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, कार्डियोजेनिक। लेकिन आपने तो मोटा मोटा इतना याद कर लिया ना कि कार्डियो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब हर्ट से रिलेटेड होगा। तो ये वर्ल्ड रूट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं बच्चों, इनको करना बहुत जरूरी है। अब वर्ल्ड रूट्स के बाद क्या करें, ठीक है ना, ये भी प्रश्न उठता है। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई एसएससी एंड बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई CDS की या फिर FCAT की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो लगभग एक जैसे होते हैं, इनकी तैयारी कर रहा हो। हो सकता है कोई NDA अथवा एयरफोर्स ग्रुप X की तैयारी कर रहा हो, Y की तैयारी कर रहा हो, नेवी SSR की तैयारी कर रहा हो, AA की तैयारी कर रहा हो। ये सब इक्विवेलेंट टेस्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? आप जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के 10 साल के, यानी कि 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 सालों के प्रीवियस ईयर के सारे एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर जाएं, और ये गुरु मंत्र मान लें कि 99.9% वहीं से फंसेगा। अब बहुत से लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और आगे कर देता हूं। एनडीए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 एंटोनिम्स के आते हैं और 10 सिनोनिम्स के आते हैं। मैं देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से ये बात आपको यहां समझा देता हूं, ग्रीन एरिया में। आपको पता है 10 एंटोनिम्स आते हैं, 10 सिनोनिम्स आते हैं, यानी कि 20 मीनिंग आपके हो गए। लेकिन केवल इन 20 मीनिंगों को याद नहीं करना, इनके अतिरिक्त चार चार ऑप्शन और सब में होते हैं, और 20 क्वेश्चन में 20 तो मीनिंग हो गई, चार चार ऑप्शन का मतलब 80 मीनिंग ये हो गई ऑप्शन वाली। तो यानी कि 20 और 80 कितने हो गए? 100। यानी कि आपको एक साल का पेपर 100 मीनिंग देता है।
बात समझ में आ रही है नहीं? और एक साल का नहीं, क्योंकि एनडीए एक साल में दो बार कंडक्ट होता है, तो आप समझिए कि एक पेपर से आपको 200 मीनिंग मिलते हैं। और अगर 1000 यानी कि हम कहेंगे कि मैंने कहा ना 10 साल के पेपर आपको लगाने हैं, 10 साल के अगर आप पेपर लगाएंगे तो आप समझिए कि आप 2000 नए 2000 न्यू मीनिंग्स आपको याद हो जाएंगे। और मैं इसीलिए कहता हूं 99.99 को मत पकड़ो, तो 90% तो पक्का इन्हीं में से फंसते ही फंसते। तो आपको यह पता चल गई ना कि मीनिंग कहां से याद करने, कोई डिक्शनरी लेके नहीं बैठनी है, डिक्शनरी आप याद नहीं कर सकते, और कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं लेना चाहेगा, कोई ऐसा फालतू का पूछेगा कि साहब डिक्शनरी इसको याद है या नहीं। तो इसीलिए अब एनडीए में भी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक मीनिंग होगी, आपको उसका मतलब बताना है, यानी कि आप प्रैक्टिकली इंग्लिश को समझ सकते हैं या नहीं, यह वहां पर टेस्ट होता है, ना कि आपका डिक्शनरी ज्ञान कि आप में डिक्शनरी को याद करने की क्षमता है या नहीं। वो आपकी डिक्शनरी रटने की कैपेसिटी को नहीं चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आप इंग्लिश को आधारभूत रूप से सेंटेंस में अगर कोई मीनिंग दे रखा है तो उसको आप सेंस आउट कर पाते हैं या नहीं। और बहुधा 90% केसेस में मैंने कहा है इंग्लिश सेंस के बेसिस पे चलती है। इंग्लिश में सेंस होता है, लैंग्वेज इज द व्हीकल बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज। तो आप उस सेंटेंस का मतलब भी समझ जाए तो भी मीनिंग का लगभग अंदाजा आपको हो जाएगा। तो पहली चीज तो वर्ड रूट्स आपको करने हैं, और वर्ड रूट्स के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर की जो मीनिंग्स हैं वो करनी है। इज इट क्लियर? इसके अलावा आपको कोई भी एंटोनिम सिनोनिम्स में ज्यादा फेज टू में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है फेज थ्री, और फेज थ्री में बच्चों आता है पैसेजेज। तो मैंने फेज टू की आपको बात बताई, दिस इज फेज थ्री। और ये आप ढंग से समझ लीजिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट? क्योंकि इसमें से बहुत सा काम तो आपका ही करने का है, मेरा नहीं है। मैंने तो आपको वीडियो बना के दे दूंगा या क्लास ले लूंगा, लेकिन बाद बाकी का प्रैक्टिस केवल आपका ही काम है, मीनिंग याद करना आपका काम है। फेज थ्री में आता है पैसेजेज। पैसेजेज के लिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई जितना आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे, तो देखिए न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका इंग्लिश सुधरती है, राइट? और इंग्लिश सुधरने के साथ साथ देखिए न्यूज़पेपर क्या और करता है, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर के आप न्यूज सुनिए भी, राइट? वॉच न्यूज, क्योंकि रात में जैसे आपने न्यूज सुना, दो घंटे आप न्यूज सुने, अगर इंग्लिश ज्यादा गड़बड़ है तो एटलीस्ट 2 आवर्स, तो जो आपने सुना वही अगले दिन आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको भाव तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये न्यूज़पेपर वाला ये बात कहना चाह रहा है कि कल मोदी जी रसिया गए हैं और उन्होंने किसी संधि पर हस्ताक्षर किए, राइट? तो आप बात तो समझ जाएंगे चित्रों के माध्यम से, न्यूज रीडर जो बोल रहा है उसके माध्यम से, और अगले दिन वही चीज आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगी, तो देखो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। और जब मतलब पता हो और तब आप उसको इंग्लिश में क्या उर्दू में भी पढ़े ना, तो भी सेंस आउट कर लेंगे। तो आप इसको इजीली सेंस आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 घंटे न्यूज देखना है। और न्यूज देखने के फायदे, प्रोनाउंसिएशन जो होता है यानी कि बोलने का जो तरीका होता है, उच्चारण करने का किसी शब्द को तरीका होता है, वो केवल सुनने से आता है, वो डिक्शनरी में देखने से नहीं आता। जब तक आपके कानों में वो आवाज नहीं पड़ेगी कि इसको बोलते कैसे हैं, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। और न्यूज रीडर जब न्यूज पढ़ता है तो उसका प्रोनंसिएशन तो सही होता ही है, तो आपका प्रोनंसिएशन भी इसके साथ साथ सही होगा, आपका जो एसेंट है वो भी इसके साथ साथ सही होगा।
आपकी बोलने में कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस की दिक्कत है वो भी सही होगी, तो ये सारी चीजें आपकी न्यूज देखने से सही होंगी। तो वॉच न्यूज एटलीस्ट 2 आवर्स, राइट। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसमें न केवल आपके पैसेजेस के लिए उद्धार होगा बल्कि आपका जो करंट इवेंट्स का सेक्शन है वो भी आपका सुधरेगा। करंट में क्या क्या चल रहा है ये चीजों की जानकारी भी आपको होगी, तो करंट अफेयर वाला सेक्शन आपका साथ साथ ही इसकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो न्यूज़पेपर जो रीडिंग है, न्यूज पेपर रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। फिर आपको ऐसा नहीं कि सर एयरफोर्स में जीडी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, एसएसबी के जीडी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी टॉपिक्स दिए गए होंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। और आप जब न्यूज सुनते हैं तो हर टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होगा, और जब हर टॉपिक के बारे में आइडिया होगा तो आप उस टॉपिक को समझ भी सकते हैं, उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उस पर डिबेट भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, ओके। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपका इंटरव्यू में भी काम आएगा, न्यूज़पेपर रीडिंग आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में भी काम आएगा, आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हर एस्पिरेंट के लिए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है अति अति और अति महत्वपूर्ण है, इसको जरूर अपना है। बाद बाकी का पैसेजेज के मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, या फिर मैं आपकी क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, और मैंने बताया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइंस से निकलते हैं। और क्यों निकलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइंस में आपको पता चलता है कि व्हाट इज द टॉपिक, और एंडिंग लाइन में पता चलता है व्हाट इज द कंक्लूजन। तो जब आपको टॉपिक पता है, निष्कर्ष पता है, तो आप उस पैसेज के बारे में इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड फेज, इसकी भी मैं कुछ क्लासेस आपको दूंगा। और इसके बाद आता है पैरा जंबल्स, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फेज। अब फोर्थ फेज में पैरा जंबल्स हो गया आपका, अथवा इसमें मान लीजिए आपका क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट में कभी कभी वो एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, ग्रामर से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्लोज टेस्ट इज द कॉम्बिनेशन और द कोलैबोरेशन ऑफ द 2 चैप्टर्स, दैट इज ग्रामर एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। और क्लोज टेस्ट हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इडियम्स एंड फ्रेजेस हुए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड रूट्स का सहारा लें आप। वन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी, मिज़ेंथ्रोपिस्ट, जो मानवता को घृणा करता है। वन हु लव्स द ह्यूमैनिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट। साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो आपने देखा कि ये एंथ्रोप शब्द कहीं भी आ जाए इसका मतलब मानवता से संबंधित होता है, ह्यूमन से संबंधित होता है। मिजिन इसके आगे लगा दिया तो मिस का मतलब हेट करना, वन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी, मिज़ेंथ्रोपिस्ट, मिज़ेंथ्रोपिस्ट, आईएसटी लगा देते हैं लास्ट में। आईएसटी का मतलब वन हु, जो की करता है किससे, मानवता से घृणा। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलिन का मतलब प्यार करना, जो मानवता से प्यार करता है। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मतलब विज्ञान, द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। तो एक शब्द से आपके बहुत सारे शब्द आंसर आउट हो जाते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप वर्ड रूट का सहारा लीजिए, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी याद करने का ही आपका है। तो देखिए पैरा जंबल्स की भी मैं आपको ट्रिक दूंगा, कैसे आप, आपको चारों छहों सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप कैसे कोई प्रोनाउन ढूंढ के, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन वे, सीधे सीधे से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल लें। कैसे आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढ के अपना आंसर निकाल लें। कैसे आप मैंडेटरी पेयर ढूंढ के, कैसे आप आर्टिकल वे से, कैसे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। तो दीज आर ऑल ट्रिक्स ऑफ द पैरा जंबल सेक्शन। तो इंग्लिश के ये चार फेज किस किस प्रकार से कवर करने हैं मैं समझता हूं आपको ध्यान में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर करेंगे, उसके बाद साथ साथ में एंटोनिम्स सिनोनिम्स चलते रहेंगे, देन पैसेजेस, देन पैरा जंबल्स, देन क्लोज टेस्ट, और जितनी प्रैक्टिस इनकी कर सकें उतना कम है। तो इसके बाद जो मैं आपको नोट्स देता हूं बेसिक, वो तो मैं साथ साथ आपको क्लास में कराता ही हूं, इसको आप एक तरह से क्लास नोट्स कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको बुक दी है, दिस इज कॉल्ड क्लास नोट्स, ये जो स्पाइरल बाइंडिंग वाली है।
क्लास नोट्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक और बुक दी है, वन मोर बुक, और वो बुक भी क्या है, वो दो बुक्स का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। एक ही बुक में मैंने जो दो बुक्स हैं वो कंबाइन कर दी हैं। एक तो उसमें कुछ कुछ बेसिक्स भी होगा, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, और इसके बाद उसके एंड में केवल एक प्रैक्टिस सेशन की बुक भी लगी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नोट्स देखने हैं घर पे जो मैं कराता हूँ आपको, उसके बाद जो एक और बुक दी है उसके सारे प्रोसीजर्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ये सब आपके ऊपर है। और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो आपको करने हैं, और उसके बाद NDCA की जो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है वो लगानी। तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट, और अगर आप इसके अलावा कोई बुक लगाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप वो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी विल रैप अप द इंग्लिश। 75 क्लासेस हैं, लेकिन ये 75 नहीं है, आप समझिए कि ये 75 सारी क्लासेस मिला के हैं, इनमें की प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो सेशंस हैं। तो मेन जो क्लासेस हैं वो करीब 50 क्लासेस हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और इन 50 क्लासेस में मैं पूरी इंग्लिश ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और इससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगी, 50 क्लासेस लग नहीं पाती, करीब 30-35 क्लासेस हैं, बाद बाकी की सब प्रैक्टिस क्लासेस हैं। तो आप चाहें तो बाद बाकी का वो खुद से भी कर सकते हैं, लेने के लिए केवल 30-35 क्लास हैं जिनको कि आप देखो, वीडियो वॉच करो अगर ऑनलाइन लिया है तो, नहीं तो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको पढ़ते जाओ। इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड दूर कर दिया होगा। Thank you.